ईरान से प्यार कर ले, मैंने जातिवाद हम नहीं कर रही हूँ, तो जवान के पक्का है, और एक बार जब हाथ थाम लिया है और पूरा जिंदगी भर हमारा साथ निभाएगा, क्योंकि कृष्ण भगवान के वंश है। तो हम यादव कुल के माँ बहू हूँ और इनका परिवार भी हमको एक दिन अपनाएगा, हमारा पूरा विश्वास। प्यार को ले बानी ओहिरान से, गुजी टोला गोली के आवाज से। खाली हम इनका गर्लफ्रेंड या वाइफ नहीं हूँ, हम पूरा यादव कुल के बहू हूँ। तो हम चाहती हूँ हमको उतना इज्जत मिले जितना एक यादव घर के महिला को, पतों को, बेटी को मिलता है, हमको भी उतना इज्जत मिले। आप तिलक और दहेज दिए इनको, तो हमारा पूरा जिंदगी दे दिले बनी, हमार मन, हमार जान, हमार सब कुछ। तो दहेज क्या बात है, इन्हें बोलेगा तो हमार कर्जा के सब्जी बना के इनके लिए बना देंगे सब्जी। हाँ, तो हम लोग अभी तो बुढ़ापा नहीं आया है, तब तक हम लोग बच्चा की व्यवस्था कर लेंगे। गांव के लड़की हो, गांव के लड़की को बॉयफ्रेंड नहीं होता है, हस्बैंड होता है। ठीक है, आपके दिल में उस वक्त कैसा लगता है जब लोग आपको ताना देते हैं कि तुम्हारी पत्नी एक किन्नर, उस वक्त कुछ अजीब लगता है? देखिए, हमको ताना लोग नहीं देते हैं, ताना हमारे मम्मी पापा को देते हैं, क्योंकि जो भी लोग बोलता है मम्मी पापा से, तो वो लोग हमसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जवाब कैसा देगा। सोशल मीडिया पे बहुत चर्चित और एक अनोखी जोड़ी, इसको आप कह सकते हैं, अभी हम लोगों के साथ मौजूद है, समझ सकते हैं सोनी कुमारी है और उनके जो है वो पति देव हम कह सकते हैं, ये दोनों जोड़ी आज हम लोग से मुलाकात हुई है और बहुत सारे इन लोगों से बातचीत करने वाले। बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सावन का महीना चढ़ने वाला है। सोनी जी, कैसे मुलाकात हुआ उनसे? आदर्श जी, दवाई की दुकान पे हम गए थे दवाई लाने के लिए, तो वही दुकान पे ही रहते थे, दवाई लेने गए थे, दिल दे के चले गए। नहीं, दिल देकर चला नहीं आए, पहले तो हम नहीं पहचानते थे, उसके बाद धीरे धीरे परिचय हुआ, दोस्ती हुआ। मतलब शुरुआत किधर से हुई, उस साइड से कि आपकी तरफ? हम गए थे दुकान पे दवाई लाने के लिए, उसके बाद दवाई मेरे को कोई भी होता था, कुछ भी दिक्कत परेशानी दवाई के, तो हम वही दुकान से ही लेते थे। तो धीरे धीरे दवाई लेते लेते दोस्ती हो गया था, दोस्ती से प्यार में बदल गया था। और आपको पहली बार जब देखे तो कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था, लव एट फर्स्ट साइट हो गया था इनसे। और जी, और क्या हुआ था कि बुखार लगता था तब भी, नहीं लगता था तब भी हमको बोलती थी कि दवाई चाहिए। अरे इधर से भी जो है इशारा होके। सोनी जी, आप जो हंसती हैं तो इसके काफी लोग दीवाने हैं आपके स्माइल के। सच में बहुत सारा मतलब आपका वीडियो है। नहीं, मुझे नहीं लगता है। अच्छा, उसके बाद से जो है अभी आपके जो है माथे में सिंदूर है, तो ये कब शादी हुआ आपकी हुई? देखिए, कब क्या कहा ये बात के मेरे पास जवाब प्लीज मत पूछिए। मतलब हस्बैंड वही है, आदर्श जी है, उनको तो हम हस्बैंड समझ के प्यार करते हैं। गांव के लड़की हो, गांव के लड़की को बॉयफ्रेंड नहीं होता है, हस्बैंड होता है। ठीक है, शहर के लड़की का होता है, हम गांव के लड़की हूँ, हमारा हस्बैंड समझ के प्यार करते हो। कहीं ना कहीं आप अपना सौभाग्य समझती हैं कि आज के जमाने में इस प्रकार से लड़कियों को लोग छोड़ के चले जाते हैं, फिर भी तो आप एक किन्नर समुदाय से आती हैं, ऐसे मतलब सुंदर आदर्श आपको मिले, आपका सौभाग्य है ये? हाँ, ये तो सौभाग्य है। क्या बोलेंगे, हम दोनों का जोड़ी भगवान ने बनाया है, तो मिलना तो था ही, तो मिल गए हैं हम दोनों। अच्छा, उसके बाद से जो है एक वीडियो भी वायरल हो रहा था जिसमें आप इनके चरण धो रही हैं, उसके बाद से वो जलपान कर रही हैं। मतलब कि हाँ, हम इनको भगवान के रूप में देखते हैं, मानते हैं, और भगवान के बाद, मम्मी पापा के बाद इनको ही हम पूछते हैं। हाँ, मतलब पत्नी का जो धर्म होता है वो पूरा पोजीशन। हाँ, अच्छा, उसके बाद से जो है आदर्श जी, आप तो शादी इनसे कर लिए हैं, अपने घर पे भी लेके जाइएगा? हाँ, घर वाले राजी हो जाएंगे तो बिल्कुल लेके जाएंगे। घर के लोग तो हालांकि राजी नहीं होंगे, तकरीबन हमको लगता है कोई राजी नहीं होगा इसमें। जी, लेकिन कोशिश जारी है, हम चाह रहे हैं कि मना ले कैसे भी। हम भी चाहते हैं कि जो इस प्रकार से और लोग अपनी पत्नी के साथ घर पे रहते हैं, अच्छे से सुखी संपन्न परिवार होता है, उस प्रकार से आपका ही परिवार। जी बिल्कुल। अच्छा, आमतौर पे बिहार में देखा जाता है जब कोई शादी करता है तो दहेज और तिलक की बात आती है, और जब आदर्श जैसे लड़के हों तो तिलक कुछ और ज़्यादा बढ़ जाता है। आप तिलक और दहेज दिए?
इनको तो हमारा पूरा जिंदगी दे दिले बनी, हमार मन, हमार जान, हमार सब कुछ। तो दहेज क्या बात है, इन्हें बोलेगा तो हमार कर्जा के सब्जी बना के इनके लिए बना देंगे सब्जी। हाँ सर, देखिए दोनों जो है मियाँ बीबी में प्यार कितना है कि जो है आदर्श थोड़ा कम बोलते हैं। क्या जी? थोड़ा कम बोलते हैं मतलब और वीडियो में। नहीं कम कहाँ बोलते हैं, ठीक ठाक तो बोलते हैं। डर नहीं लगना? ना डरते तो किसी से नहीं है, बस इनसे थोड़ा सा डरते हैं। आपसे क्यों डर? प्यार करती हूँ तो डरेगा नहीं, कोई भी काम कुछ भी बोल देगा कर देगा, थोड़ा ही सब कुछ का एक डिसिप्लिन होता है। कट्टा कट्टा शरीर भी आप? नहीं मारने का डर थोड़ा है, मुझे प्यार करता है तो हम उनको कोई गलत रास्ता पे थोड़ा ना जाने देंगे। तो ये सब से हमसे डरते हैं, जो कोई गलत बात बोलेंगे चाहे गलत जगह पे जाएंगे गलत रास्ते पे जाएंगे तो हम उनको बोलेंगे। हाँ यही बात के डरते हैं, तो हम इनको थोड़ा ना मारेंगे। झगड़ा वगैरह होता है आप लोग? नहीं कभी नहीं ना, एक साल होने वाला है हम दोनों का रिश्ता है, अभी तक कभी झगड़ा नहीं हुआ है और कभी होगा भी नहीं। मतलब होता तो है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? कभी झगड़ा हुआ है? नहीं झगड़ा कभी नहीं हुआ है, मतलब जैसे कि हम लोग बात करके अपना से कुछ भी करना होता है इनसे पूछ लेते हैं, इनको करना होता है हमसे पूछ लेती हैं, तो फिर झगड़ा होने वाला सवाल ही पैदा नहीं होता है। कहा जाता है कि नया 9 दिन, उसके बाद से 10-15 साल बाद कहीं अगर हो जाए तो होना ही लाजमी है किसी न किसी कारण। देखिए प्यार जहाँ है झगड़ा भी हो सकता है, बाकी ये नहीं जरूरी नहीं जो हार प्यार में झगड़ा हो, और जिसमें माने झगड़ा में ही प्यार हो ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, बिना झगड़ा के भी प्यार होता है और झगड़ा में भी प्यार होता है, तो हम लोग बिना झगड़ा करके ही प्यार करते हैं। बात है ये, देखिए मतलब इन लोगों में जो है प्यार है काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। सोशल मीडिया पे इनका वीडियो बहुत पहले ही वायरल हुआ था, जिसपे बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि लड़का जो है भाग जाएगा। हालांकि इस प्रकार से देखा जाता है लड़कियों का, जो लड़के हैं शोषण करके भाग जाते हैं, लेकिन आज के ज़माने में इस प्रकार से प्यार मिल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हाँ ये बात आप समझती हैं? हाँ समझती हूँ। आपकी सासू माँ अगर ये वीडियो देख रही हैं क्या कुछ कहिए? मामी जी को पहले गोर चुके गोर लगोतनी, रुआ हमरा के आशीर्वाद करें, हम दोनों का जोड़ी सलामत रहे और हम दोनों बहुत आगे बढ़े, सबका मूर उज्जवल करे रोशन करे। और भी घर पे जितना भी फैमिली में लोग हैं, कोई भी अगर वीडियो देख रहे हैं, सबको गोर चुके गोर लगोतनी, सबको ही हमने के आशीर्वाद करें और अपना लें हम दोनों के। सोनी जी जिस प्रकार से अभी तो आप लोग की जोड़ी चल रही है, हालांकि पूछना नहीं चाहिए लेकिन बुढ़ापे का एक सहारा सब किसी को चाहिए होता है, उसके लिए आप लोग क्या करेंगे? तो हम लोग अभी तो बुढ़ापा नहीं आया है, तब तक हम लोग बच्चा की व्यवस्था कर लेंगे। आप बता रहे थे IVF जी? हाँ IVF हो गया, सरोगेट मदर हो गया, ये सब आप पर भरोसा है? हाँ क्या है, इनका ही ना बच्चा रहेगा तो भरोसा क्या है भाई, डॉक्टरी टेक्निक से होगा। और गांव देहात में लोग अभी इस बात को नहीं जानते? हाँ इधर के लोग ना ही जानते होंगे, बाकी कोलकाता में होता है, हमारा गांव में भी हुआ है। हाँ चलिए काफ़ी अच्छी बात है, आप लोग की जोड़ी बने और आप लोग का परिवार आगे बने, सुखी संपन्न आप लोग जीवन बिताएं। बाकी एक गाना अगर उनके लिए प्यारा सा गाना हो अपने पति देव के लिए, क्योंकि चांद का टुकड़ा लग रहे हैं, क्या रहेगा अर्ज करिए? प्यार कोयले बानी ओहिरान से गुजी टोला गोली के आवाज से ये देखिए प्यार कोयला तो ओहिरान से प्यार कोयले बानी, जातिवाद हम नहीं कर रही हूँ, तो जवान के पक्का है और एक बार जब हाथ थाम लिया है और पूरा जिंदगी भर हमारा साथ निभाएगा, क्योंकि कृष्ण भगवान के वंश है। तो हम यादव कुल के माँ बहू हूँ और इनका परिवार भी हमको एक दिन अपनाएगा, हमारा पूरा विश्वास है। क्या जी ऐसे ही हाथ जो पकड़े हैं ऐसे पकड़े रहिए, ऐसे थामे रहेंगे ना? जी बिल्कुल। खाली हम इनका गर्लफ्रेंड या वाइफ नहीं हूँ, हम पूरा यादव कुल के बहू हूँ, तो हम चाहते हूँ हमको उतना ही इज्जत मिले जितना एक यादव घर के महिला को पतों को बेटी को मिलता है, हमको भी उतना इज्जत मिले। तो कुछ लोग नहीं ना बोलते? क्यों बोलेगा नहीं बोलता है कोई। अगर मतलब आप तो शादी कर ली हैं, आपके दिल में उस वक्त कैसा लगता है जब लोग आपको ताना देते हैं कि तुम्हारी पत्नी एक किन्नर, उस वक्त कुछ अजीब लगता है?
देखिए हमको ताना लोग नहीं देते हैं, ताना हमारे मम्मी पापा को देते हैं, क्योंकि जो भी लोग बोलता है मम्मी पापा से तो वो लोग हमसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जवाब कैसा देगा जी, इसके वजह से। चलिए बाकी जितने भी दर्शक देख रहे हैं भगवान रूपी अंत में क्या अपील करिए? जो भी देख रहे हैं उनको हाथ जोड़ के हमारा एक ही विनती है, हम दोनों को एक्सेप्ट कीजिए, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करती हो और आजीवन एक साथ रहेंगे, प्यार करेंगे, आप लोग आशीर्वाद कीजिए और हम दोनों को अपना लीजिए। चलिए तो ये अनोखी जोड़ी इसलिए हमने कहा ना, तो चलिए ये जोड़ी आप सभी को कैसे लगी कमेंट करके बताएं और इन लोगों के बारे में क्या कहते हैं ये भी कमेंट करें, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। 5 मिनट।